नमस्कार दोस्तों, मिशी के व्लॉग में आपका फिर स्वागत है। और आज का व्लॉग थोड़ा हटकर है, आज का वीडियो थोड़ा हटकर है। जी हाँ, यह समय है। हम हमेशा से जानते हैं कि समय एक ऐसी बलवान वस्तु है जो चुपके से चलती रहती है, और ये चल ही आ रही है। तो आज का टॉपिक है मन्वंतर। क्या आप जानते हैं मन्वंतर किसे कहते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार मानवता के प्रजनक की आयु होती है एक आयु मनु की। यह समय मापन की खगोलीय अवधि है। मन्वंतर एक संस्कृत शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने पर मनु प्लस अंतर मिलता है, जिसका अर्थ है मनु की आयु। प्रत्येक मन्वंतर एक विशेष मनु द्वारा रचित एवं शासित होता है, जिन्हें ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है। मनु विश्व की और सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं, जो कि उनकी आयु की अवधि तक बनती है और चलती रहती है। दोस्तों, मनु की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मा फिर एक नए मनु की सृष्टि करते हैं, जो कि फिर से सभी सृष्टि करते हैं। इसके साथ साथ विष्णु भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर अवतार लेकर इसकी संरचना और पालना करते रहते हैं। इसके साथ ही एक नए इंद्र और सप्तऋषि भी नियुक्त होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये जो चारों युग होते हैं, यह चारों युग एक चतुर्युग कहलाते हैं। जब चार बार ये चारों युग चल जाते हैं तो यह एक चतुर्युग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, और एक मन्वंतर अर्थात 71 बार चतुर्युग। जी हाँ, और टोटल 14 मन्वंतर होते हैं। 14 मनु और उनके मन्वंतर को मिलाकर एक कल्प बनता है। यह ब्रह्मा का एक दिवस होता है, ब्रह्मा का एक दिवस, और यह हिंदू समय चक्र और वैदिक समय रेखा के अनुसार होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है और वह विराम की स्थिति में आ जाता है, जिस काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। और ब्रह्मा की रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके उपरांत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा फिर से सृष्टि रचना आरंभ करते हैं। इसके बाद फिर संहारकर्ता भगवान शिव इसका संहार करते हैं, और यह सब एक अंतहीन प्रक्रिया या चक्र में होता रहता है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो अपने साथ पहले भी घटित हो चुकी। दोस्तों, कई बार हम जब कुछ कर रहे होते हैं या अचानक एकदम से हमारे माइंड में ऐसा आता है, क्या आप लोगों के भी माइंड में ये सब आता है कि ये तो पहले भी कभी हो चुका है? जैसा ये अवसर, जो स्थिति, जो लोग, जो वस्तु, जो कलर, जो चारों तरफ जो देखते हैं, वैसा कई बार ऐसा लगता है कि ये पहले भी कभी हो चुका है। तो जी हाँ, यह हमेशा सतत रूप से सदियों से चलता आ रहा है, ये होता रहता है, क्योंकि हम उस चीज़ को और उस पल को पहले भी जी चुके हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक मन्वंतर को 71 चतुर्युग में बांटा गया है, यानी 71 बार जब चतुर्युग होते हैं, आपके यही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 71 बार जब घटित होते हैं तो एक मन्वंतर होता है। और आप ये समझ जाइए कि चारों बार जब ये युग घटते हैं तो विष्णु भगवान उन्हीं रूपों में हर बार अपने आते हैं और वही लीला चलती रहती है। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लय या लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। सृष्टि के आदिकाल में न सत था, न असत, न वायु था, न आकाश, न मृत्यु थी और न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही एक था
जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। यह ऋग्वेद में कहा गया है नासदीय सुक्त 10/129 में। सभी धर्म और विज्ञान की अपेक्षा हिंदू काल गणना विश्व की समय यापन की सबसे बेहतर इकाई या थ्योरी है। वेद और पुराण में संपूर्ण समय को संपूर्ण तरीके से बांधा गया है। ऋषियों ने जलचर, थलचर, नभचर और पेड़ पौधे तथा पहाड़ों की आयु जानकर धरती की आयु को ज्ञात किया है। उसी तरह उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु का भी मान निकाला है। दोस्तों, जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधे प्राणी मनुष्य पितर देवताओं की आयु भी नियुक्त है। उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की भी आयु है। इस धरती सूर्य चंद्र सभी की आयु है। दोस्तों, छोटी मोटी प्रलय और उत्पत्ति तो चलती रहती है, किंतु जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खिंचाकर एकत्रित हो भस्मीभूत हो जाता है। तब प्रकृति अणु वाली हो जाती है, अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनुरूप में बदल जाती है। श्वास श्वास बनता वर्ष, वह जो कि श्वास प्राण से आरंभ होता है यथार्थ कहलाता है, और वह जो त्रुटि से आरंभ होता है अवास्तविक कहलाता है। 6 श्वास से एक विनाड़ी बनती है, 60 श्वासों से एक नाड़ी बनती है, और 60 नाड़ियों से एक दिवस दिन और रात्रि बनते हैं, 30 दिवसों से एक महीना बनता है। दोस्तों, एक नागरिक अर्थात एक सावन मास सूर्योदयों की संख्याओं के बराबर होता है। एक चंद्रमास उतनी चंद्र तिथियों से बनता है, और एक सौर मास सूर्य के राशि में प्रवेश से निश्चित होता है। 12 मास एक वर्ष बनाते हैं, सूर्य सिद्धांत यही कहलाता है। इसी तरीके से वर्ष चलता आ रहा है। समय का सबसे छोटा मापन त्रस रेणु होता है, उससे बड़ा त्रुटि, उससे बड़ा वेद, उससे बड़ा लावा, और सबसे बड़ा निमेश, और उससे बड़ा क्षण, और क्षण से बड़ा काष्ठा, और काष्ठा से बड़ा लघु, लघु से बड़ा दंड, उससे बड़ा मुहूर्त, उससे बड़ा याम, और उससे बड़ा प्रहर, प्रहर से बड़ा दिवस, दिवस से बड़ा अहोत्रात्रम, और उससे बड़ा पक्ष जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और पक्ष से बड़ा महीना। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर चलते हैं, तो आप ये अच्छे से जान ले कि 100 वर्ष तो बहुत ही कम है, जबकि आज के दौर में एक मनुष्य 100 वर्ष बहुत ही कम जी पाता है। मित्रों, हमें अहंकार किस बात का, जब सब कुछ समय पर आधारित है, धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। इस धरती पर हम न जाने कितनी बार आए हैं, कितनी बार आते रहेंगे। सत्कर्म करने पर ही, अच्छे कर्म करने पर ही वह इस आने जाने वाले बंधन से इंसान मुक्त हो सकता है। उसके मुक्ति का उपाय सिर्फ भक्ति ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप हमें अपने सुझाव इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के नए धार्मिक वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।